बिल्कुल जी 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 अल्लाह हाफिज़। मेरे बेटे ऐसे मत करो, मत करो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। नहीं, मैं कोई आपका अच्छा बेटा नहीं। अच्छे बेटे के साथ ऐसा करते हैं? ये क्या किया आपने मेरे साथ? आप जानती हैं किसकी कॉल आई हुई थी? नसीमा खाला मेरी बदबख्ती पर अफसोस कर रही थी। पूरे जमाने को पता था उस लड़की के किरदार के बारे में सिवाय मेरे। अरे ये शकीला की लगाई हुई आग है, तुम क्यों उसकी बातों में आ रहे हो? होश के नाखून लो। क्यों लगाएंगी वो ये आग? आप खुद सोचे क्या मिल जाएगा उन्हें? उनकी कोई दुश्मनी है मेरे से? आप क्यों नहीं मान लेती कि आपका कसूर है? पूरे खानदान में क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? सब लोग हंस रहे हैं और अभी सब कह रहे होंगे कि बहुत अकड़ता था ना ये नईम। मेरी आइडियल ऐसी होनी चाहिए, शरीफ, बाकिरदार, डिसेंट। ये हुआ है मेरे साथ। मुझे नहीं रहना इसके साथ। आप जाइए जाइए, जाकर इसको भेज दें इसके घर। नहीं है वो ऐसी लड़की, नहीं। तुम क्यों खामखा उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? वो ऐसी नहीं है, मैं कह तो रही हूँ, जाओ उसके पास। मुझे उसके पास नहीं जाना है अम्मी, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए अम्मी, अभी भी देर नहीं है, जो हो गया ना सो हो गया। अब आप उसके घर वालों को बुलाइए और उसको वापस भेज दें। मत करो ऐसे, नहीं अभी नहीं हो सकता। अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है, ऐसे मत करो। नहीं, खुदा का वास्ता अब ना करो ये। ठीक, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मैं ये घर छोड़ के जाऊँ। नहीं नहीं, मेरे बेटे बात तो सुनो, मेरा बच्चा।